पाकिस्तानी होटल में चल रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ। मैं आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को पाकिस्तानी खाना, दिखा के ही दम लूँगा मैं। ये तो स्वीट्स का है, अरबी स्वीट्स का है। और ये जो है, और ठीक है, और कैसे हो? आज दिखाया के ही दम लूँगा मैं, आज पाकिस्तानी खाना दिखा के ही दम लेना है मेरे को। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे जी? ठीक है, मैं डायरेक्ट ऊपर ही जा रहा हूँ। हाँ, आप भेजिए, दिखाने का है, डिमांड है। मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो बोल रहे हैं कि खाना दिखाओ पाकिस्तानी। मैं बोला ऑयल ज़्यादा खाते हो लोग, पूरा एक ये बना के लाइए। ठीक है, हाँ लेके आइए। ये है जो कि चाप सब बनाते हैं, ये मास्टर है भाई। चलिए ऊपर भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे आप? ठीक है, हाँ सही है। आज तो वीडियो बन रहा है, आज वीडियो बन रहा है पाकिस्तानी खाना दिखाने का। इधर बैठता हूँ, इधर हवा आ रहा है, ठीक है इधर। और सब खैरियत है? ओके, हाँ सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ सब सही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ थोड़ा कल नहीं, परसों का बात है। मैं खाना इधर खाया, बाहर निकला था, ऐसा लगा ना कि मेरे को गर्मी ज़्यादा था, ऐसा लगा ना कि चक्कर आके गिर जाऊँगा, तो मैं टैक्सी किया और चला गया। हालांकि पैदल घूमता हूँ डेली 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में नहीं जा पाया था। हाँ मैं बोला उनको कि रूम पे आ गया मैं। खाना के बारे में बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जो है ना, वो बोलते हैं कि पाकिस्तानी लोग कैसा खाते हैं, तीखा खाते हैं, मीठा खाते हैं, कैसा? हम बोले कि खाते हैं सब कुछ, एकदम अच्छा खाना बनता है इनका, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये देखिए, इसमें ऑयल है ना ज़्यादा, तो हम देखते हैं पैठान लोग अलग से और लेके खाते हैं। सही, डालते हैं कि नहीं डालते? ऐसे ही है, लेकिन हम लोग इंडिया वाले थोड़ा कम ऑयल खाते हैं। आप लोग का खाना बहुत टेस्टी होता है, ऐसा नहीं है, अलग है, मतलब इंडिया से मिलता जुलता है, लेकिन आप लोग में क्या है ना, थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालते हैं। बाकी टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अब थोड़ा एक चीज़ एक बता दीजिए, आपको नाम मालूम है क्या क्या इसको बोलते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम है सबका नाम, बस खाने से मतलब रहता है अपना, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये आप बताइए पूरा तफसील से। हमारा जो है ना, ये तकरीबन काफ़ी डिशें खत्म भी हो चुकी हैं। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो बचा था आपने। कितना डिश रहता है आपके पास टोटली, कितना है? ये मेन्यू के हिसाब से तकरीबन लगभग 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर है डिशेस, इतनी मतलब डिशें बनती हैं। ओके ओके, अभी लेट आ पाए तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा मैंने जो है ना ये वीडियो में आ जाएगा। ओके ओके, अभी हमारा ये देखें, ये हमारा बटर नान है। ये बटर नान है, ये दिखाएं, ये मतलब हमारा स्पेशल है यहाँ पे। अच्छा स्पेशल है, ठीक है। और रोटी भी है। ये कितने का था? ये 3 दरम का है। अच्छा 3 दरम का है। तो अभी ये देखें, ये दाल माश है, ये थोड़ा वीडियो में क्लिप करें। हाँ ये देखें, ये दाल मास बोलते हैं, ये इसको दाल मास। ये कितने का आता है, एक प्लेट कितने का आता है? ये 7 दिरहम है, लेकिन ये छोटा है, प्लेट बड़ा होता है। ओके ओके, ये अभी छोटा है, इसमें बड़ा प्लेट आता है, 7 दिरहम जी। हाँ इसी तरह ये देखें, ये हमारी अपनी डिश है, हालांकि बेटिंग के भिंडी के अंदर आलू नहीं रहते हैं। ओके ओके ओके, लेकिन हम लोग आलू डाल रहे हैं, एक मतलब स्पेशल है ये भी। ओके ओके, ये भिंडी और आलू, देखें ऑयल रहता है पाकिस्तानी खाना, आप जो भी आप ऑयल रहेगा ही, वो तो मालूम ऑयल रहेगा। इसी तरह ये देखें हमारी, ये तो माशाल्लाह हटे कटे होते हैं आप लोग एकदम। ये देखें, ये दालचना है, दालचना, वो कितने का आता है? ये भी 7 दरहम का है। ये हमारे, हमें हर चीज मालूम है, लेकिन आपसे बुलवाना चाह रहा हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स देखे तो उनको लगे कि ओरिजिनल बात क्या है। ये जो है, ये मिक्स वेजिटेबल है। ओके, इसके अंदर ये क्या, गोभी है? नहीं, गोभी है, कैरेट है, आलू बटाता वो है, और फली बोलते हैं। देखिए भाई, भाइयों आप लोग सोचते होंगे ना कि पाकिस्तानी अलग ही कुछ खाते होंगे, सब सेम वैसे ही खाते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तानी खाते हैं ना, खाना वही रहता है, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग थोड़ा रहता है। इसी तरह ये देखें, ये इसको हम लोबिया बोलते हैं, आप लोग राजमा बोलते हैं? हम लोग राजमा बोलते हैं, ये लोबिया आप लोग? ये हम लोग इसको लोबिया बोलते हैं। अच्छा अच्छा, आप लोगों का जो है उसमें राजमा बोलते हैं।
ये है, इसी तरह ये देखिए, ये क्या है, ये हंडी में लेके आए हो, ये बोनलेस होती है, बोनलेस होता है, चिकन है नहीं, चिकन एक स्पून ज़रा दें मोहन, एक स्पून दो, ये देखें ये बोनलेस होती है, नीचे काउंटर पे चले जाइए ना, दो बिल वाला इधर आ गए हैं भाई, इसमें कोई इसमें हड्डी नहीं होगी, ये सारा बोनलेस रहेगा, नीचे काउंटर पे कोई है कि नहीं, वो छोड़ के, इसी तरह की हमारी पेशावरी है मटन, इसमें हड्डी भी है, ये देखें हड्डी भी है विद बोन भी, बोनलेस इसको पेशावरी मटन बोलते हैं, मटन पेशावरी बोलते हैं, लेकिन ये कढ़ाई के अंदर आती है, इसमें क्या दही भी डालते हैं क्या, इसमें टमाटर फ्रेश टमाटर पड़ता है, दही पड़ता है, मतलब ये ग्रीन चिली, मतलब ऑयल आप रहेगा हमारे यार खाने में, ऑयल रहेगा, इसी तरह ये कीमा है, कीमा है ना, ये मटन कीमा है, आलू कीमे से, ठीक है, ये हमारा स्पेशल ये नमकीन रोस्ट है, इसको नमकीन बोलते हैं आप लोग, अच्छा ये नमकीन रोस्ट है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके साथ राइस भी आते हैं, मतलब जिस तरह ये राइस है, राइस है ये राइस है, इसको आप अफगानी पुलाव बोलते हैं, इसको अफगानी पुलाव इसको बोलते हैं, ठीक है, ये किशमिश इसके अंदर किशमिश, ये गाजर है, ये पूरा मतलब स्वीट्स होता है, स्वीट्स रहता है, ठीक है, ये रहता है, इसके साथ ये रोस्ट भी देते हैं, बाकी सब आइटम हमारे यहाँ मिलता है, ये जो है ना ये अभी हमारे यहाँ चालू अब हुआ है मिलने के, अच्छा अभी चालू, अभी देखा देखी हूँ, अभी बना रहे हैं, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा है, ये हो गया, और इसी तरह वो हमारी चिकन बिरयानी है भाई, वो ये देखिए ये मटन का ही रहता है, बीफ वगैरह नहीं रहता है, मटन रहता है, ये हड्डी का है, बकरे का रहता है, इतना बड़ा मोटा देखेंगे आप लोग हड्डी तो सोचेंगे कि बीफ है, बीफ नहीं रहता है, ये ऑस्ट्रेलियन बकरा होता है, ऑस्ट्रेलियन बकरे का होता है, इससे भी बड़ा बड़ा आता है पीस, ये तो छोटा ही दिख रहा है, इससे भी बड़ा रहता है, इसी तरह वो चिकन बिरयानी है, ये हो गया चिकन बिरयानी, हैदराबादी भी रहता है, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी, एक स्पून लेके देख ले, नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं दिल नहीं अभी, बहुत अच्छा है, इसी तरह मतलब दो पीस आते हैं और बड़ा प्लेट होता है, ओके हाँ, बड़े प्लेट हाँ, सही है, इसी तरह वो हमारी कढ़ाई है, चिकन चिकन कढ़ाई ना, चिकन पेशावरी कढ़ाई, चिकन ये चिकन पेशावरी कढ़ाई है, ये देखें ये विद बोन रहता है, इसमें आपको बोनलेस नहीं नजर आएगा, ये हड्डी के साथ है, हड्डी के साथ में, ये हड्डी के साथ रहेगा, इसमें बोनलेस नहीं आएगा, इसी तरह हमारी वो ये दाल है, इसको दाल मसूर बोलते हैं, ये दाल बहुत टेस्टी होता है, मैं खाता हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है, क्या क्या रहता है इसके अंदर, इसके अंदर तो मतलब सिंपल दाल ही होती है, क्या कौन सा दाल, दाल मसूर, मसूर का रहता है, इसको मसूर, सिर्फ मसूर ही रहता है और कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल कोई दाल ही, बहुत टेस्टी लगता है, बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं रहती, इसी तरह बाकी ये हमारा जो है ये बारबेक्यू आइटम आ गया, बारबेक्यू में क्या क्या है, इसमें देखें कि टिक्का हमारा आ गया लेग पार्ट के साथ, अच्छा लेग पीस है ये, लेग पीस है ये, मैं थोड़ी चीज़ें लेके आया हूँ, अक्सर खाना अभी ख़त्म हो गया, लेट भी तो ज़्यादा हो गया ना, ये हमारा तीन बज रहा है मटन, रात में तीन बज रहा है, ये मटन में सीख कबाब है, इसी तरह ये चिकन में सीख कबाब है, और ये हमारी मलाई बोटी है, मलाई बोटी है, ये देखें ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं होता, ओके ये मलाई बोटी, ये बच्चे भी खा सकते हैं, और ये हमारा अफगानी टिक्का है, अफगानी है, मटन है नहीं, मटन है, ये अफगानी टिक्का, ये स्पाइसी रहता है थोड़ा, ये थोड़ा स्पाइसी रहता है, और ये हमारा चिकन चेस्ट पीस है, ओके मतलब यहाँ पे हमारा जो रेस्टोरेंट है ना रिका में, यहाँ पे ये लोग ज्यादा लाइक करते हैं चेस्ट पीस, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर है वो मिश्री ज्यादा है, मिश्री ज्यादा खाते हैं, वो अरबी लोग अरबी लोग ज्यादा खाते हैं, चाप तो भूल गए, चाप लाया ही नहीं, चाप नहीं लाया मैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में चाप भी दिखा देंगे, जैसे जब मैं खाते रहता हूँ तो बनाकर डालता हूँ तो देखे होंगे आप लोग, बाकी हमारे जितने खाने हैं उसमें ऑयल रहेगा, ऑयल तो रहेगा, ठीक है, तो माल अगर आप बोलेंगे ऑयल हमें नहीं चाहिए तो नहीं होगा, लेकिन खाने का मजा ऑयल के साथ आता है, सही बात है, देखिए ऑयल की वजह से इसका कलर ऐसे होगा, कलर ऐसा होता है और टेस्टी भी रहता है आप लोग का खाना, खाना अच्छा रहता है आप लोग का, ये पूरा ये देखिए सैलेड हमारा चेक करें, सलाद में क्या क्या रहता है, सब टमाटर रहता है, टमाटर है, ये प्याज जो व्हाइट वाला रहता है कहाँ का रहता है, ये किधर का रहता है, ये मिसर का रहता है, ये मिसर का है, मिसर का है ना, ये रहता है, लेबन हो गया, यहाँ से तो होता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पानी हर चीज़,
कभी आए आप इधर, आपने तो बहुत टेस्ट किया हमारा, हर खाना हर चीज तो खा लिया हूँ मैं, लेकिन खाली व्यूअर्स को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आपके मुंह से बुलवा रहा हूँ, मैं बोलूंगा तुमको लगेगा कि अपने से तारीफ कर रहा है। नहीं, उनको भी बोलेंगे आए एक दफा टेस्ट करके देखें हमारा। दुबई में है, दुबई में इधर रिंगा में हमारा ब्रांच है, ये अमेरिका जो मेट्रो स्टेशन है इसके साथ ADCB बैंक है, ADCB बैंक के अपोजिट साइड पे हमारी ब्रांच है, पिशावर स्टार के नाम से है, पिशावर स्टार एक ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है यहाँ पे। तो आप आए इंशाल्लाह, विजिट करें, टेस्ट करें, इंशाल्लाह जैसा आपको ये दिखा रहे हैं इंशाल्लाह इससे अच्छा मिलता है, मैं खाते ही रहता हूँ, बराबर खाते हूँ, और आज से तो नहीं हूँ मैं, कई सालों से हूँ, काफी टाइम से, काफी टाइम से। अभी माशाल्लाह तीन ब्रांच है, एक ब्रांच और ओपन हो रही है, चार ब्रांच हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप सबकी मोहब्बत आते हैं, खाना खाते हैं, अच्छा लगता है को देना। हाँ जाइए, आप नीचे जाइए, जाइए काउंटर खाली है, नीचे जाइए।